प्रतीक, व्हाट्स योर ओके नेम? ना ना, ना एंड यू? हा, मीमी मी, मीमी मीमी, या ना। सारी लड़कियों को इनके साथ फोटो खिंचाने हैं। मतलब अगर रियल में आ जाए सामने तो पता नहीं क्या कर देंगे इनके साथ। मानना पड़ेगा इस गांव को, जहां जहां तक आपकी नजरें जाएगी, जिस जिस गलियों में आप जाओगे ना कुछ इंटरेस्टिंग, अलग, एकदम कलरफुल और यूनिक, और मतलब बहुत कुछ देखेगा, आप बयान नहीं कर सकते, सच कह रहा हूँ। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए प्यारे से वीडियो में कोरिया सीरीज के। इस वक्त मैं हूँ बुसान में, जो कि साउथर्न पार्ट ऑफ कोरिया जैसे आप सभी को पता है, और ये इलाका है होंडाई। होंडाई इलाका में स्टे ले रहा हूँ वगैरह। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले एक कल्चरल विलेज, जी हाँ, एक गाँव को, कोरिया के गाँव को, जो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। यहाँ से दूरी होगी तकरीबन 1.5 घंटा, मेट्रो लगाएगी 1 घंटा, उसके बाद बस या फिर टैक्सी जो भी मिले वहां से आधा घंटा लगाएगी वो विलेज तक पहुंचने के लिए। और आप जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि जो भी देश जाता हो जरूर विलेज ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करता हो, ताकि कि हमने को पता चले कि ये शहर वगैरह तो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह तो देखने मिलती है, यहाँ के लोग देखने मिलते, महसूस करने मिलते, अनुभव करने मिलते, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री रहता है ना, विलेज, गाँव, जहाँ शांति होती है, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है ना, दिल खुश होने वाली बात हो जाती है ना, वहाँ कैसा है हर देश का अलग अलग सीन, तो वो मैं जाके जरूर बताता हूँ। तो आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले फटाफट जाते हैं मेट्रो स्टेशन जो पास में है होंडाई, वहाँ से 1 घंटे की मेट्रो करके जाएंगे, टॉसियोंग करके जगह है जहाँ उतरेंगे, फिर वहाँ से बाय टैक्सी या फिर बाय बस जो भी मिले धन्यवाद कर देंगे, है ना, पैसा देके, ऐसा नहीं, पैसा देके धन्यवाद करेंगे। जी तो कर लिया है एग्जिट मेट्रो से, और अब एग्जिट करेंगे मेट्रो स्टेशन से। लेकिन देखो, मेट्रो स्टेशन में गेट्स अलग अलग होते हैं, तो गूगल में पहले देख लेने का कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह जाना है तो एग्जिट कौन से नंबर से करें। तो 1, 2, 3 उस तरफ एग्जिट है, लेकिन मेरे को करना नहीं है, मेरे को एग्जिट करना है 6 नंबर से गेट से, क्योंकि उस तरफ है, क्योंकि जहाँ जाना है, जहाँ से बस या टैक्सी मिलेगी वो 6 नंबर एग्जिट से ही नज़दीक पड़ेगा, बस वही बात है। गामचेन, राइट, ग्रीन बस। अच्छा, इन्होंने कहा कि मेरे को उस तरफ तो नहीं जाना है, लेकिन फॉलो मी, क्योंकि लिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं दूसरे बस पकड़ूंगी, लेकिन आप आ जाइए मेरे साथ, बस पकड़ने में मैं आपकी मदद करूँगी। कोरिया ओनली, सो इन बुसान वेरी फ्यू पीपल स्पीक इंग्लिश, राइट, सो गुड दैट आई फाउंड वन। व्हाट इज हिज नेम? यूजेन। ओ वाओ, हाय यूजेन। यूजेन, हाय। 안녕해줘 그러면. 안녕. ओके, टू छू छू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गामछिया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय युगेन, बाय बाय, फ्लाइंग किश, बाय बाय। नंबर टू आ गए, चलो चलो चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो इस बस का कॉस्टिंग है 1200 won, या तो कार्ड से कर सकते हो या फिर कैश भी इसमें चलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कार्ड ही होना चाहिए, तो मैंने तो कैश ही डाला बक्से में। 1200 won, 1200 won मतलब कितना हो गया, 75 rupees के आसपास इंडियन करेंसी में, ठीक है। 20 मिनट्स लगाएगी और हम जाएंगे गामचेन, और मैंने पूछा काफी लोग जा रहे हैं गामचेन विलेज, मतलब आगे एक मोहतरमा है फॉरेनर, उन्होंने कहा कि मैं भी जा रही हूँ, यहाँ पे एक कपल बैठा है, उन्होंने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ। मतलब बहुत जन है गामचेन जाने के लिए।
वाह क्या शानदार जगह है, मतलब क्या ही कहूँ, दिल खुश हो गया। सिर्फ 5 मिनट की बस राइड थी, मेरे को लगा 15 मिनट लगेगा, 5 मिनट में पहुँच गए हम। वाह देख लो मतलब नज़ारे, मेरे हिसाब से 10-15 मिनट ऊपर तक लगता है, लेकिन भाई वॉक वॉक करके जाएंगे अपन, क्या ही दिक्कत है ना, मज़ेदार है यहाँ से तो व्यू। इस गांव की ये एंट्री पॉइंट है और एंटर होते ही मैं देख पा रहा हूँ कि यंगस्टर्स की इतनी भीड़ है ना, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, जबकि आज तो वीकडेज है, वेनसडे है, सैटरडे संडे को तो क्या हालत रहेगा, लेकिन कुछ भी कहो हमको क्या, हम तो यहाँ पे फिर भी इंजॉय करेंगे। ये यहाँ का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है जिमिन है, ये कोई BTS का फेमस है ना जिमिन, और ये कौन है जुंगकुक, ये क्या है दोनों क्या है, ठीक है दोस्त रहेंगे है ना जिमिन। एक्चुअली पहाड़ी लगा है थोड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि मसूरी जा रहे हैं ना देहरादून से, वैसा ही लग रहा था जैसे बस से जा रहे थे, तो वही मैं कह रहा हूँ पहाड़ी लगा है जिसके वजह से ऐसा फिर नीचे उतरना पड़ता है। अगर आपको गलियाँ वलियाँ देखनी है गांव की या फिर घर वर देखने हैं, सब घर है गाँव के, और गली भी प्यारी है, मतलब साफ सुथरी है, और क्या ही बोलूँ दिल खुश करने वाली है। और सामने मैं देख पा रहा हूँ छोटे छोटे पहाड़ और पानी भी है, और समंदर के उस पार आता है जापान। जी हाँ जापान यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, फुकोनोमो वो सब शहर है जो पानी के तट पर है ना जापान के, या फिर हिरोशिमा अगर मैप पे भी देखो, हालांकि हिरोशिमा थोड़ा सा दूर पड़ता है, फिर भी यहाँ से जापान दिखता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जापान दिख रहा है, बस ये कह रहा हूँ कि पानी के उस पर फिर जापान आ जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ ऐसे गाँव इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हम, बना सकते हैं ना, देखो पैसा कुछ नहीं लगता है सब चीज़ों में, इसमें कहाँ पैसा है, लोगों के घर है बस कलरफुल है और क्लीन है, समझ चाहिए बस, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लोगों को साफ सुथरा रखना आना चाहिए, दैट्स इट। तो हम इंडिया में भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत जगह कर सकते हैं जिसके वजह से हम भी ऐसे टूरिस्टों को खींच सकते हैं यार। अपने इधर अगर ऐसे सब स्ट्रीट्स रहेंगे ना तो पता है कौन दिखेगा फिर, बहुत हार्ड तू लगता है रील्स बनाने वाली पब्लिक दिख जाएगी बहुत सारी, वो भी लाइन में। प्रतीक व्हाट्स योर नेम? ना एंड यू हा? मीमी ना। यू फ्रॉम US राइट? And basically, where are you from? Like from birth, you are from US only, or you're from other country? Like we're Vietnamese American. Wow, Vietnam! I had recently visited Da Nang. Oh really? Yeah, really? It's very beautiful. Like it? It was my third time actually in Vietnam. Oh nice. Actually, I've been to Hanoi, Ho Chi Minh, Saigon, and Da Nang, everywhere. You've been more than me. Yeah. So cool. Fun. What's your favorite country so far? Russia, Vietnam. These are two, and I think I like Korea as well now. Yes. Soon I'll be coming to US. Where are you from US? Portland, Oregon. Oregon? Okay. So where Nike is. Okay, Nike manufacturing hub? Oregon. The headquarters, yeah. Achha. चलो बढ़िया है, तो ये US से है, दो मोहतरमा मिल गई। ऐसे तो आप देख लो शुरुआत में बहुत से टूरिस्ट थे, फिर जैसे जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ ना गाँव के अंदर अंदर, कोई नहीं दिख रहा है मेरे को, ना बंदा ना बंदे की जात। फाइनली दो लोग मिल गए टूरिस्ट जो US से है, और काफी वार्तालाप हुई, इनफैक्ट एक दूसरे ने पिक्स खींचने में मदद की, यू नो। हाँ जी हाय अनियोंग अनियोंग इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो इंग्लिश? किधर रे, कौन है सामने आ रहे, ये सामने Anyongas here. Mom,
मानना पड़ेगा इस गांव को, जहां जहां तक आपकी नजरें जाएगी, जिस जिस गलियों में आप जाओगे ना कुछ इंटरेस्टिंग, अलग, एकदम कलरफुल और यूनिक, और मतलब बहुत कुछ दिखेगा, आप बयान नहीं कर सकते, सच कह रहा हूं। जोरदार है, हाँ, मतलब ये कैफे कमाल का है। ये एक डक दिख रहा है, वहाँ पे वो दूसरा डक दिख रहा है, वो पानी पी रहा था मगरमच्छ के साथ। मैं बोला मगरमच्छ भी असली है क्या? वो नकली है, लेकिन उधर एक था, और ये एकदम आर्टिस्टिक लुक वाला है। और इस तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है स्टेयर्स ऑफ द स्टार्स, सीढ़ियाँ तारों की। इसका नाम ये इसलिए है ना क्योंकि 150 के ऊपर सीढ़ी है, और माना जाता है इसको जो भी चढ़ाई करता है चढ़ाई के टाइम उसको दिन में तारे नजर आते हैं। अभी देखते हैं कि हमें तारे नजर आते हैं कि लोग प्यारे प्यारे। हाय काकी, क्या हाल है? योर होम, घर? अरे मुनी मुनी, अच्छा बढ़िया है ना एकदम, अनियोंग से हो। काकी बड़ी शर्मीली है, चढ़ रहे हो सीढ़ी आप भी ऊपर टॉप पे? अरे आप अगर चढ़ पा रहे हो तो मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, है ना, मेरे को तो चढ़ना चाहिए एकदम वन शॉट में। अच्छा बस इधर ही जा रहे हो गली के अंदर? अच्छा चलो बाय बाय। तो जी पहुंच गए, तारे भी नहीं दिखे और प्यारे लोग भी नहीं दिखे, मेरे हिसाब से आगे दिखेंगे क्योंकि थोड़ा और ऊपर जाना है, फिर उस तरफ वो ऊपर है ना सबसे मस्त है ना, कौन से देश के लोग है पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब और गरीब नहीं है। तो यहाँ पे सब रेट से, यहाँ पे सब बड़े बड़े है, मतलब ग्रेप्स देख लो इतने बड़े, टमाटर है इतने बड़े, 1000 won का एक पीस है, हाँ 1000 won का एक पीस, मतलब हो गया 60 rupees, 60 rupees का भैया एक टमाटर, लेकिन है बड़ा। ए भाई थाकी भी अरे मुँह तो, अरे लाइटिंग लग गई फाइनली ऊपर, अभी मजा आएगा। सनसेट का कलर देख पा रहे हो ना, कितना बेहतरीन है यार, मतलब इधर तो कुदरत भी साथ देता है कि भैया अगर आप इतना साफ सुथरा रखते हो ना, आप अगर इतना केयर करते हो ना जगह को, धरती माँ को, तो मैं कुदरत भी केयर करूँगा आपको खूबसूरत बनाने के लिए। बढ़ गई ना शान इस गांव की रात में, है ना, एकदम चमक रहा है क्योंकि चारों तरफ लाइटें लग चुकी है और भीड़ भी कम हो गई है। एनीवेज बस ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये प्यारा सा व्लॉग आई होप बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, आप भी प्यारे हो तो जरूर लाइक करोगे मेरे को पता है, और शेयर करो ऐसे वीडियोस को क्योंकि सच में बड़े कमाल के अनसीन रहते हैं और कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्यारी जगहों पर लोग आए और देखे और कुछ सीख के जाए, यू नो कि हाँ साफ सुथरा वगैरह होने से कितना खिल उठता है, बस वही बात है। अभी ग्रीन बस पकड़ के 5 मिनट में पहुंच जाओगा तोसियोंग रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर 1 घंटे की दूरी पर पहुंच जाओगा हेडियोंग, क्या नाम था, होंडाई इलाका जहाँ पे मेरा स्टे वगैरह है। उम्मीद करता हूँ ऐसी, अरे आ गई ग्रीन बस, चलता हूँ इसी में, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप बने रहोगे और हर वीडियो देखोगे ना। तो
अमेजोन में एक सेल चल रहा है जिसकी अगर डेट्स की बात करूं तो 9 दिसंबर से 14 दिसंबर रहेगी, और सेल का नाम है अमेजोन वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जिसमें आपको अमेजिंग से प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में मिलेंगे। इनफैक्ट इस सेल की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ लिंक्स भी मिल जाएगी वो प्रोडक्ट्स के जो मैंने परचेस करे हैं और जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है डेनिस लिंगो कंपनी का व्हाइट शर्ट। ऐसे तो मेरे को व्हाइट शर्ट कम पसंद है, लेकिन अगर क्वालिटी लिनन और कॉटन होना प्योर तो फिर क्या ही दिक्कत, या आप छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हो। इनफैक्ट इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेल के हिसाब से आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। सेकंड प्रोडक्ट की बात करूं तो वो है शूज यूएस पोलो के। यूएस पोलो ब्रांड नाम ही काफी है, सच कह रहा हूं। मतलब ये ब्लू और येलो जो स्टाइलिश लुक है ना, इसका कलर कॉम्बिनेशन है ना, मेरे को बड़ा ही प्यारा लगा, और आप देख सकते हो बहुत क्लासी रिच लुक है। तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और आप कैनवास शूज ब्रांड में देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो भी बूट्स है, शूज है, लेकिन जेंट्स के नहीं, वुमेन्स के है, लेडीज के है, गर्ल्स के आप कह सकते हो। तो आप देख लो, पार्टी शूज है, मतलब वन पीस वगैरह में बहुत अच्छा लग सकता है। अभी इसको ना मैं पहन के ना मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, साइड में फोटो रहेगा। और रेट की बात करूँ तो बहुत ही बजट फ्रेंडली है, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब गर्ल्स की बात हो ही रही है तो फोर्थ जो प्रोडक्ट है वो भी गर्ल्स वुमेन्स लेडीज से रिलेटेड है, ये है लावी का हैंड, आप कह सकते हो पर्स साइड में जो लटकाते हैं ना, ऐसा पार्टी वगैरह में बहुत ही अच्छा लगता है, और इसका जो एलिगेंट लुक है ना काफी क्लासी है। तो इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो फिफ्थ प्रोडक्ट है वो अभी क्या ही बताओ, बिकॉज ऑलरेडी फेस पे लगा के बैठा हूँ। ये है चश्मा आईवेयर लैब्स कंपनी का, बहुत ही इसके क्लासी कॉम्बिनेशन रहते हैं। मतलब जो कलर की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेट के हिसाब से बजट फ्रेंडली तो नहीं बोल सकता, मीडियम बजट है, लेकिन फिर भी आपको इसमें वेराइटीज, चॉइसिस और एकदम ब्रांडेड लुक जरूर दिखेगा। और जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो सिक्स प्रोडक्ट है, वो है ये गर्ल्स के हिसाब से ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ठंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है स्वेटर बेटर लगते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो काफी लोग प्रीफर करते हैं, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। हैंगर के साथ आता है, ये देख लो अंदर हैंगर, और फर कॉम्बिनेशन है, मतलब टोपा वोपा अच्छा लगता है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, साइड में फोटो भी दे देता हूँ, ताकि कि आपको आइडिया आ जाए कैसा है इसका लुक, और ये काफी बजट फ्रेंडली है। तो ये जो छह प्रोडक्ट्स है, आई होप फैशन से रिलेटेड आगे जो सीजन है उसके रिलेटेड आपको काफी अच्छे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल।